इस अमृत मेला पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं भारत की अखंडता संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य एवं अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को दंडवत प्रणाम करता हूं तथा दिन रात प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हमारे पुलिस बल के जवानों का भी अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर उनका भी स्मरण करना चाहता हूं। उन सबको मैं नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर प्रदेश के अंदर आप सब देख रहे होंगे अतिवृष्टि के कारण से, मानसून की अत्यधिक सख्तता के कारण से, भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण प्रभावित हुए लोगों के प्रति भी मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी सरकार इस दुख की घड़ी में पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि आजादी के इस अमृत काल में हम अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को महाशक्ति बनाने का प्रण लें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यद भावम तद भवति, अर्थात हमारी जैसी भावना होती है हम वैसे ही बन जाते हैं और हमारे कार्य भी उसी प्रकार के होते हैं। अतः आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी समान भाव से यह संकल्प लें कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए मिलजुल कर निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक नया भाव जागृत हुआ है तथा उन्हीं के दिशा निर्देशन में देश आज पहले से कहीं अधिक संगठित, अधिक सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। आज के इस अवसर पर लहर लहर फहराता ये तिरंगा दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही प्रताप है कि देश में संविधान से धारा 370 हटाना, तीन तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे काले कानूनों को रद्द करना हो तथा देश की लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो सके हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। आज केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो या बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विदग्ध और नेतृत्व में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने विकास का दिखाई दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देवभूमि को मेक इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 स्टेशनों के लिए अभी हाल ही में 83 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि हमारे यहाँ प्रदान की है। भाइयों बहनों, जौलीग्रांट का एयरपोर्ट हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा हमारे राज्य के लिए स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में औद्योगिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रुपए की उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जैसी महत्वपूर्ण पेयजल की योजना की भी स्वीकृति हो चुकी है। 952 करोड़ रुपए का उत्तराखंड क्लाइमेट ट्रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया जा चुका है। देहरादून और मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय स्त्री ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ लंबे समय से जिनका हमें इंतजार था, जमरानी और सोनमार्ग परियोजना,
इनकी भी सैद्धांतिक रूप से हमें सहमति मिल चुकी है तथा 300 मेगावाट की पिछले कई दशकों से रुकी हुई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य भी गतिमान है, जहां जमरानी बाग परियोजना से नैनीताल उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे, वहीं सौंग परियोजना से देहरादून में 2053 तक अनुवादिक आबादी के लिए पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द ही हम भूमि का पूजन भी उस स्थान पर करने वाले हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे राज्य में भी G20 की एक बैठक नहीं, दो बैठक नहीं, बल्कि तीन तीन बैठकों का आयोजन करने का हमें अवसर प्रदान किया। यह हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश की प्रतिभा, क्षमता तथा दक्षता पर उनका जो अटूट विश्वास है वह दर्शाता है। भाइयों बहनों, प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि सदैव उत्तराखंड के लिए, उसके विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। अपने इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरक मार्गदर्शन में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शिता व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। भाइयों बहनों, अपने वादे के अनुसार शीघ्र ही हम देश के अंदर पहले राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने हो, प्रदेश की मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदम हो, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून हो, हमारे आंदोलनकारी भाइयों को आरक्षण देना हो, पूरा सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करना हो, या प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए गए उठाए गए कदम हो, हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे से ठंडे बस्ते में डाले हुए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। हमने प्रदेश के अंदर नई MSME पॉलिसी को लागू किया तथा प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी को भी अपनाया है। इसके साथ साथ राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी और सोलर पावर पॉलिसी को क्रियाशील किया है। आने वाले दिनों में हम सर्विस सेक्टर, सेब की खेती, आयुष क्षेत्र से जुड़ी नीतियों को भी लागू करेंगे। हम जानते हैं कि नीति और निवेश, इनका सीधा संबंध है। नीतियां प्रभावित नहीं होंगी तो निवेशक भी रुचि नहीं दिखाएगा, इसलिए हमने प्रोएक्टिव सोच के साथ पहले निवेश अनुकूल नीतियों को बनाने का कार्य किया है। अपना नीतिगत रोड मैप तैयार करने के बाद हम इस वर्ष के अंत में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में निवेश के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। भाइयों बहनों, तीर्थाटन एवं पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इसे मजबूत करने के लिए हम प्रदेश में नई पर्यटन नीति को लेकर आए हैं। देवभूमि में अभी तक 4 धाम यात्रा सकुशल संचालित हो रही है, जहां पिछले वर्ष 50 लाख के लगभग तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे। इस वर्ष भी अभी तक, क्योंकि अभी यात्रा के माह बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक 38 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अभी संपन्न हुई कांवड़ यात्रा, जिसमें 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ियों ने भाग लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भाइयों बहनों, कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों की 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष कर्तव्य पथ की
जो मानसकंठ की झांकी थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, हमारी उस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और यह केवल न धार्मिक पर्यटन को इससे विस्तार मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के भी नए अवसर इससे प्राप्त होंगे। अभी एक और जहां सरकार द्वारा आदि कैलाश मार्ग पर सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमने पौराणिक नगर हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास को गति प्रदान करते हुए हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के लिए ट्रिपल आर अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला रोड, दूसरा रेल तथा तीसरा रोपवेज, इन तीनों ही क्षेत्रों में हमको केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार सहयोग प्रदान हो रहा है। जहां हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। इसके साथ साथ हमारे रोपवे निर्माण के क्षेत्र में भी हम अभूतपूर्व प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। इसका कार्य भी गतिमान है। पर्यटकों को उत्तराखंड आने पर पार्किंग की दिक्कत न हो, इसके लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग भी विकसित की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि उत्तराखंड वीरभूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित भी कर रही है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में भी हमने वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं को की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं बेटन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का विशेष रूप से ख्याल रखते हुए हमने पेंशन में भी वृद्धि की है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को भी बढ़ाया है, 1,000 से 1,500 रुपये प्रतिमाह किया है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत पात्र दोनों ही पति पत्नी को इसका लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। दुर्घटना व्यापारी बीमा योजना की धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। यह हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा चुका है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जहां एक और राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी है, वहीं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराने के उद्देश्य से वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित और भगवद गीता से प्रबंधन परिचय जैसे विषयों को सह पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। यह हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना में 50 लाख से अधिक लोगों के अभी तक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की तथा आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। भाइयों बहनों, जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज एवं प्रदेश को भी मजबूत करने का कार्य करती है। इसी को देखते हुए सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना तथा मुद्रा लोन योजना प्रारंभ की है, जिसमें 5 लाख तक का लोन 0% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। हमने सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की थी तथा पलायन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना भी प्रारंभ की है। हमने लोकल फॉर वोकल मंत्र को आत्मसात करते हुए 1 जनपद 2 उत्पाद योजना प्रारंभ की है, जिससे स्वरोजगार के अवसर पैदा होने के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को भी विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। राज्य के आधारभूत ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने तथा निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही नीति आयोग की तर्ज पर योजना आयोग को समाप्त कर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड अर्थात सेतु की स्थापना के लिए भी मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय ले लिया है। हम राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लेकर आए हैं, जिसके आप धरातल पर फायदे दिखाई दे रहे हैं।
खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी गुणात्मक रूप से सुधार हो रहा है। हमने जहां एक और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है, वहीं दूसरे और ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम स्थापित करने का कार्य भी प्रगति पर है। शीघ्र ही हमको यह अवसर मिला है कि राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित हुए हैं, इसके लिए हमने अभी से कार्य योजना बनानी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड युवा प्रदेश है और युवाओं का कल्याण, विकास और उन्नति हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इस वर्ष युवाओं के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेकों अनेक निर्णय लिए गए हैं। देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून सीमित समय में लागू कर प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने का काम भी किया गया है। हमारी सरकार ने भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। राज्य में पहली बार इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है जिसमें 80 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का कार्य हुआ है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं गतिमान है। स्वरोजगार के आवेदकों की सुविधा के लिए एक स्थान पर कैंप लगाकर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले देवभूमि के युवाओं के लिए 30 नए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली है, इसलिए यहाँ धर्मांतरण रोकने के लिए हमने इस पर भी सख्त कानून बनाया है। वहीं दूसरी ओर देवभूमि में वर्षों से पनप रहे अतिक्रमण, लैंड जिहाद, इसको खत्म करने के लिए भी सख्त एक्शन लिया है। इस अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में अभी तक देवभूमि में 2765 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना जैसी हमारी पहल की प्रशंसा करते हुए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, होम स्टे बनाने में उत्तराखंड देश को दिशा दे सकता है। इस योजना से हमारे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अनेकों अवसर सृजित हो रहे हैं। नदियों एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिलों में वर्षा जल संचय के लिए जिले विकसित की जा रही हैं। शीघ्र ही हम राज्य स्प्रिंग एवं रेनफेड रिवर रिजुनिवेशन अथॉरिटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य वर्षा आधारित जल स्रोतों में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे निरंतर कमी को दूर करना तथा भविष्य में जल स्रोतों को सूखने से बचाना है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रदेश में 5,000 से अधिक जैविक क्लस्टर संचालित हैं। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 80% फी तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में 304 करोड़ रुपए से 18,000 पॉली हाउस की स्थापना करने की कार्य योजना भी बना रहे हैं। इससे करीब 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही सेब उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए एप्पल मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसी के साथ साथ कीवी मिशन, दालचीनी मिशन, तिमूर मिशन पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में एरोमा की भी अत्यधिक संभावना है, इसको लेकर एरोमा बलिया विकसित की जा रही है। हाल ही हमने राज्य के पहले एरोमा पार्क का काशीपुर में भूमि पूजन भी किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, जिसके अंतर्गत देवभूमि में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हम शीघ्र ही राज्य में एक बृहद मिलेट मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। गौवंश की सुरक्षा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सरकार गौ सदनों की भी स्थापना करने जा रही है। हमने पिछले वर्ष मई माह में 120 मेगावाट की 82 परियोजना कमीशन कर दी है, जो कोविड काल में पूर्ण होने वाली अकेली जल विद्युत परियोजना है। इसके साथ ही ऊपरी यमुना नदी में स्थित त्यूनी प्लासू परियोजना PIB स्वीकृत हो चुकी है।
तथा इसका निर्माण अगले एक वर्ष में शुरू किया जाएगा। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड को विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए सर्विस सेक्टर में भारत सरकार की रेटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं प्रदेश का बेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन का अवार्ड भी केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि 220 केवी रुद्रपुर जाफरपुर ट्रांसमिशन रेल लाइन का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण भी किया गया है। इस लाइन के निर्माण से कुमाऊं क्षेत्र में विद्युत से रेलगाड़ियां चल सकेंगी। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित 132 केवी पिथौरागढ़ चंपावत विद्युत लाइन की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, जिससे चंपावत जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मिले उसके लिए कार्य कर रही है। इसके लिए अल्पकालिक मध्यकालिक और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखकर हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। 2021 में बाबा केदार की पवित्र भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनका यह दिव्य कथन हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमारा यह विकल्प रही संकल्प है कि जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे प्रदेश में दिखाए गए विकास को हम चरितार्थ नहीं कर लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। इस कार्य में हमें आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह आपका सहयोग और मार्गदर्शन मुझे और मेरी सरकार को मिलता रहेगा। इस अवसर पर आज कुछ काम जो निकट भविष्य में किए जाएंगे मैं उन सबको आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आम जन को वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक ओर इन खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से उनके घर तक पहुंचकर मिल पाएंगे। दुर्गम इलाकों में हमारी गर्भवती माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हम मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती माताओं बहनों को एयर लिफ्ट करने के की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना भी बना रहे हैं। हमने यह फैसला किया है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के उनके विषयों की पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी फैसला लिया है कि अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल हमारे उन सभी युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा। राज्य में एकल निराश्रित परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक एक स्थान को शहर के रूप में मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए हम उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। हमारा विकास नगर क्षेत्र में मां यमुना के किनारे स्थित प्राचीन नगर हरिपुर को उसको ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश में जनजाति संस्कृति के संवर्धन हेतु शीघ्र ही राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। सीमांत गांव के जनजाति इलाकों में एकलव्य स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। हमने यह भी फैसला लिया है कि एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगियों के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समय अवधि तक मान्य होगी तथा भावी रहेगी।
क्योंकि पिछले दिनों जब से नकल अध्यादेश लागू हुआ है, हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, वो एक परीक्षा के साथ साथ तीन तीन परीक्षाओं में एक साथ जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं। तीन परीक्षाओं में एक साथ आने के कारण से दूसरे लोगों के लिए चूंकि वो स्थान भर जा रहा है, इसलिए ऐसी व्यवस्था हमने किसके लिए की है। प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री हेतु यूनिटी माल की स्थापना की जाएगी। जल्दी ही इन सभी जो करणी हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड की जन के लिए जो जरूरी है, इन सभी को धरातल पर उतारा जाएगा। मैं अंत में एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, राष्ट्र पर समर्पण के लिए तन मन तैयार रहे, निराशाओं का नाश आओ मिलकर करें, निराशाओं का नाश आओ मिलकर करें, आजाद हवाओं में हमेशा झंडा ऊंचा हमारा रहे, झंडा ऊंचा हमारा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।